हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप रियलिस्टिक एकोस्टिक गिटार प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी एक फ्री VST के साथ। गिटार के जो डिफरेंट तरीके के स्ट्रमिंग पैटर्न्स होते हैं, RPGs होते हैं, वो आप कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। और गिटार स्ट्रमिंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने जो गाना चूज किया है वो है पानी दा रंग, जो एक क्लासिक एकोस्टिक सॉन्ग है। ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आखिर तक इसको देखते रहिए, क्योंकि इसके लास्ट में ये जो FLP फाइल बनेगा वो भी मैं आपको दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो VST हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं उसका नाम है एम्पल गिटार। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये है एम्पल गिटार, आपने सुना होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है vstforfree.com, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट, 64 बिट, मैक है, जो भी है। देखिए सैम्पल साइज इसका कितना ज़्यादा है और राउंड रॉबिंग सैम्पलिंग यूज़ होता है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी रियलिस्टिक गिटार। जो इंटरफेस है इसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो मेन विंडो है यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, ये है आपके, जो दो मोड में हम इसको प्ले कर सकते हैं। एक है लीड मोड, जहाँ पे आप हैमर ऑन, पुल ऑफ, स्लाइड, लिगाटो, ये सब टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक डिफरेंट ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रमर के ऊपर, जो है यहाँ पे। स्ट्रमिंग में आप देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रमिंग होता है गिटार का, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। मेन विंडो में हम लोगों के पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक 1, माइक 2, दो माइक्रोफोन से सैंपल रिकॉर्ड किया गया था, तो यू हैव सम कंट्रोल ओवर द साउंड्स। ओके, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैनिंग, विड कंट्रोल, रिलीज नॉइसेस, फ्रेट नॉइसेस जो होता है वो कितना आएगा, ये सब सेट कर सकते हैं। ये जो येलो बटन्स हैं, दिस आर द आर्टिकुलेशंस बटन, तो ये लीड बजाने के जो डिफरेंट आर्टिकुलेशंस होते हैं उसको मिमिक करने के काम आते हैं। यहाँ पे टैब है, यहाँ पे आप टैब प्ले कर सकते हैं, दैट विल एक्चुअली फॉलो योर टेम्पो। यहाँ पे FX सेक्शन है जहाँ से आप FX दे सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हम लोगों के पास अवेलेबल होता है। आज हम लोग जिसको लेके डिस्कशन करेंगे वो है स्ट्रमर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू करते समय हम लोगों को ये सेट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का टेम्पो क्या होगा। तो एक्चुअल जो गाना है उसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करते हैं, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे टेम्पो टैपिंग का जो ऑप्शन है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, इसमें अगर क्लिक करते हैं बीट पे, तो इसका जो टेम्पो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स प्ले द सॉन्ग। तो ये हम लोगों का टेम्पो सेट हो गया है, अबाउट 97-98 इसका टेम्पो है। तो नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रामिंग द RPGs। इस गाने में तीन ही कॉर्ड यूज होते हैं, E minor, C major, D major। अगर आप एकोस्टिक गिटार प्लेइंग सीख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि ये गाना आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इसका स्ट्रमिंग टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ तीन ही कॉर्ड्स लगते हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कॉलेज में कोई लड़की आपको पसंद है, यू कैन जस्ट इम्प्रेस विद दिस। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, और एक बात कि एकोस्टिक गिटार जो लाइव इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये VST जो है बहुत अच्छा है, एम्पल साउंड का जो मार्टिन गिटार है वो इससे भी अच्छा है, लेकिन एकोस्टिक गिटार जो होते हैं ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, उसका जो डिफरेंट काइंड ऑफ टोनलिटी होते हैं उसको कोई रिप्लीकेट नहीं कर सकता। जंपिंग ऑन टू आवर सब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये स्ट्रमर जो है इसको ऑन कर देना पड़ेगा। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि देखिए जो गिटारिस्ट होते हैं ही यूजेस टू हैंड। तो लेफ्ट हैंड जो होता है उसमें हम लोग कॉर्ड्स पकड़ते हैं, कॉर्ड शेप्स पकड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्ड शेप्स पकड़ेंगे। और ये जो पार्ट है दिस इज द राइट हैंड। राइट हैंड पे क्या होता है, स्ट्रमिंग होता है, चिंग 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 चिंग, जो रिदम पैटर्न है उसको हम यहाँ पे स्ट्रम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो कॉर्ड्स हैं वो आपको गूगल से मिल जाएगा, कोई भी गाने का जो कॉर्ड चार्ट होता है वो पहले हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 इसको हम सेट करेंगे E minor पे, दिस इज E minor। द सेकेंड कॉर्ड विल बी D major, राइट।
थर्ड कॉर्ड विल बी सी मेजर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉर्ड्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। फोर्थ कॉर्ड मैं यूज करूंगा और एक दैट इज सी एट 9। ओके, ऐसे आप टोटल 24 कॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो बैंक्स हैं हम लोग के पास। ओके, तो हम लोगों का जो कॉर्ड शेप्स हैं हम लोगों ने बता दिया कि देखो ये हम लोगों का कॉर्ड शेप है। अभी हम लोगों को स्ट्रमिंग वाला जो पार्ट है प्रोग्राम करना पड़ेगा। रियलिस्टिक एकोस्टिक गिटार चाहिए तो ये दोनों हम लोगों को एक साथ बजाना पड़ेगा। तो पहले जो स्ट्रमिंग है वो थोड़ा हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। ये जो गाना है ये शुरू होता है एक बहुत ही कैची गिटार आरपीजियो से, दैट इज ई माइनर आरपीजियो प्लेइंग, राइट। इसको आप, इस मैट्रिक्स को आप देखिए, यहाँ पे 16 स्टेप्स हैं। जैसे कि आपका स्टेप सिक्वेंसर होता है वैसे ही यहाँ पे 16 स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखिए दो सेक्शन हैं, एक लाइट पे दिख रहा है यहाँ पे और एक थोड़ा सा डार्क कलर्ड है। लाइट सेक्शन है वो है ओपन स्ट्रिंग्स, यहाँ पे आरपीजियो प्ले होगा, दीज आर द ओपन नोट्स। ओके, दिस इज सी एट 9 इज प्लेइंग। अगर मैं यहाँ पे ई सिलेक्ट करता हूँ तो ई माइनर विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पे मुझे जैसे हम लोग स्टेप सिक्वेंसिंग करते हैं वैसे ही मुझे यहाँ पे इसका जो रिदम है उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ट्रायल एंड एरर से करना होगा, और कान जो है आप बहुत बार उसको सुनते जाइए, जो नोट है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करिए, आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑलरेडी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डबल क्लिक करके आप, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग प्ले कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से हम लोग उसको प्ले करेंगे जो हम लोगों का पैटर्न है, और यहाँ पे जो कॉर्ड है उसके हिसाब से ये बजेगा। तो बाकी का भी मैं सेट कर लेता हूँ। इसका रिपीट जाएगा। अभी जो नेक्स्ट कॉर्ड है डी मेजर, उसके लिए ना एक डिफरेंट पैटर्न चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे उसको तो डिफरेंट स्ट्रिंग बजता है। तो मैं यहाँ पे डी सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर 2, और दूसरा पैटर्न के लिए मैं 2 नंबर पैटर्न पे जाता हूँ। यहाँ पे प्रीलोडेड कुछ पैटर्न है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वी विल क्रिएट आवर ओन पैटर्न। डी मेजर का पैटर्न हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, पहले के जो दो कॉर्ड्स थे हम लोगों ने उसको बना लिया है, टिंग डी टिंग डी टी डी टिंग डी टिंग डी टी डी टिंग डी टिंग डी टी डी। फिर हम लोगों के पास जो आता है जो सिंगल स्ट्रमिंग हो रहा है, जंग जंग डिंग जंग जे जिंग, तो उसके लिए हम लोग और एक पैटर्न क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ये है हम लोगों के पास स्ट्रोक्स, दिस आर द डाउन स्ट्रोक, गिटार पे जो डाउन स्ट्रोक देते हैं, ये है डाउन स्ट्रोक, ये है अप स्ट्रोक, यह है थोड़ा सा म्यूट, यह है सेमी म्यूट। ओके, तो इसको यूज करके सबसे पहले जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो हम लोग करेंगे। तो वहां पे सिर्फ सिंगल स्ट्रम होगा, तो और कुछ नहीं होगा वहां पे, वो एक जाता है आपका सी में, दूसरा जाता है सी एड 9 में। तो यहां पे वैसे 2 ही बज रहा है, हम लोग इसको चेंज कर देंगे जब हम इसका सिक्वेंसिंग करेंगे। अभी नंबर 4 पैटर्न पे हम लोग कौन सा करेंगे, जो हम लोग का मेन पैटर्न है, जिंग जी चैंग जी चिंग जी चैंग जी चिंग जी जी जिंग जी चैंग जी जिंग। तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। पहले हम लोगों का डाउन स्ट्रोक जाएगा, फिर ये भी ट्रायल एंड एरर ही है, आप तो इसको यहां पे थोड़ा सा वेलोसिटी एडिट करना पड़ेगा, वॉल्यूम एडिट, वो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ओके,
तो हम लोगों ने ये जो मेन पैटर्न्स थे उसका जो कॉर्ड्स हैं और जो पैटर्न्स हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं, दोनों हम लोगों ने सेट कर लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोगों को ये एक के बाद एक बिठाना पड़ेगा। वो करना बहुत ही ईजी है। ये मानिए हम लोगों के पास पैटर्न है, तो सबसे पहले जो आरपीजी हम लोगों ने डिफाइन किया था इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम इसको ड्रैग करेंगे। अभी देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है एक साथ बजाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ये बोल रहा है कि C1 से अगर मैं C1 दबाता हूँ तो ये कॉर्ड शेप पकड़ेगा। ये ई माइनर का जो कॉर्ड शेप है ये पकड़ेगा। ये वाले नोट के साथ अगर मुझे ये वाला पैटर्न बजाना है तो मुझे ये C3 नोट बजाना पड़ेगा। दैट इज़ द स्ट्रम मोड। स्ट्रम मोड से ये वाला स्ट्रमिंग आपका इनिशिएट होगा और ये वाले जो C1 है इससे हम लोगों का जो ये पैटर्न है वो पकड़ लेगा, कॉर्ड शेप है वो पकड़ लेगा। तो इसको हम लोगों को एक साथ प्ले करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि FL Studio का जो इंटरनल पिचिंग सिस्टम है वो 2 ऑक्टेव ऊपर होता है। तो C3 इज एक्चुअली C5। तो ये हम लोगों के पास एक्चुअली स्ट्रमिंग पैटर्न है और C1 इज एक्चुअली C3। तो ये हम लोगों के पास जो पहला वाला जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, कॉर्ड शेप है, वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो ये वाला जो नोट है दैट इज़ दिस वन। हम बोल रहे इस नोट से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम ये वाला शेप पकड़ो, और ये वाले नोट से हम बोल रहे हैं भाई तुम ये वाला जो पैटर्न है इसको बजाओ। तो ये दोनों जब एक साथ बजेंगे तो ऐसा लगेगा। सॉरी, हमको नोट का लेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको इसके लिए क्या करूँगा कि मुझे बताना है भाई तुम ये वाला शेप पकड़ो, अभी वो दो बार हो गया और यहाँ पे पैटर्न जो है, शेप जो है, ये तुम दूसरा यूज़ करो। तो उसके लिए हम लोग के पास ये वाला दूसरा पैटर्न जो है ये C3 मतलब C5 है और यहाँ पे C#1 मतलब C#3 है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई तू अभी D का कॉर्ड पकड़ और दूसरा जो पैटर्न है हम लोगों के पास उसको बजा। तो अभी ये से बजेगा। अभी ये दो बार हो गया तो मुझे बताना है भाई तो अभी तू स्ट्रम कर, सिंपल स्ट्रम। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। अभी ये करेगा स्ट्रम। तो उसके लिए हम लोग को यहां पे पकड़ना पड़ेगा, ये है D1, डी नोट बजा देता हूं यहां पे, और यहां पे बजेगा हम लोग के पास जो तीसरा पैटर्न है, राइट, तीसरा पैटर्न यहाँ पे जो मेन स्ट्रमिंग था। तो इसके लिए बजेगा आपका D#3 मतलब D#5। तो ये D# है, तो ऐसे सिंपल स्ट्रम कर। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉर्ड चेंज चाहिए, C#9 भी चाहिए। तो अभी ऐसे बजेगा। यही यूज करना का था क्योंकि स्ट्रमिंग पैटर्न तो सेम ही रहेगा। अभी इसका मेन पैटर्न आएगा। तो मेन पैटर्न हम लोग यहां पे नंबर 4th पोजीशन पे रखा हुआ है। नंबर 4th पैटर्न जो है वो है हम लोग के पास F#3 मतलब F#5। यहां पे हम लोग उसको देते हैं और यहां पे बताना है कि भाई तू ई मेजर का कॉर्ड पकड़, है ना। तो ई मेजर का कॉर्ड ये पकड़ेगा। सुनिए, अभी यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल वेलोसिटी ना हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए और एक मेथड है, आप ये वाला जो नोट्स है ना इसको हटा दीजिए और यहां से अगर आपको पैटर्न 1 चाहिए तो यहां से आप पैटर्न 1 को यहां पे ट्रैक करिए। ये आपका आ गया पैटर्न 1 और यहां पे हम लोगों को पकड़ना है
C3। तो अभी हम लोगों के पास डिफरेंट वेलोसिटीज जो है वो अवेलेबल है। तो सपोज ये वाला ऊपर की जो नोट है उसको मुझे हायर वेलोसिटीज में बजाना है, ऑल्सो वी कैन एड वेलोसिटी रैंडमाइजेशन, राइट? तो उससे क्या होगा, ह्यूमन फील आएगा, देख सकते हैं ना। अभी अगर जो स्ट्रॉमिंग पैटर्न है हम लोगों का वो भी अगर मैं यहां पे ड्रैग करूं तो ये मेरा स्ट्रॉमिंग पैटर्न आ गया। ये भी मुझे ई माइनर पे ही बजाना है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि जो चेंग जे जे वो है वहां पे मुझे ज्यादा वेलोसिटी बजाना। तो आई विल जस्ट एड देम, चिंग चेंग जे चिंग चेंग जे चिंग, देख सकते हैं यही सिर्फ डिफरेंट पैटर्न पे बचता जाएगा। तो ये सारा जो था ना मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम करके एक फाइल पे रखा हुआ है, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने वो जो फाइल है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वैसा ही मैंने यूज़ किया है, दिस इज द आरपीजीओ पार्ट, दिस इज द स्ट्रमिंग पार्ट और दिस इज द मेन पैटर्न्स। तो यहाँ पे लोड लेता है यहाँ पे, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं रेंडर इन प्लेस कर दूंगा तो ये इतना ज़्यादा लोड नहीं लेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा एक ट्रैक तैयार किया है इसका, इसका एक थोड़ा सा रिदम मैंने यहाँ पे सेट किया है, दिस इज द स्मॉल रिदम, और थोड़ा सा लीड मैंने बजाया है इसका। मेरा जो सैमसंग ग्राफाइट कीबोर्ड है उसके साथ वो भी सिर्फ एफएल कीज़ में ही बजता है। थोड़ा सा कॉर्ड प्रोग्रेशन डाला है। एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं गिटार को थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नंबर वन पे जाते हैं, नंबर वन गिटार ट्रैक में जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इक्वलाइज़ किया है इसको। यहाँ पे सारे जो लोज हैं मैंने हटाया है यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कंप्रेशन डाल रहा हूँ फास्ट अटैक एंड फास्ट रिलीज के साथ। थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ही है, ज़्यादा इसका गेन रिडक्शन हो नहीं रहा है। फिर स्टीरियो शेपर देके इसका थोड़ा सा वीड मैंने ऐड किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक ऑन दिस ट्रैक, कंसोलिडेट दिस ट्रैक फ्रॉम सॉन्ग स्टार्ट। तो ये रेंडर हो चुका है, ये जो ट्रैक ऐड हुआ है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अभी हम लोग के पास जो ट्रैक है वो सुनने में कुछ ऐसा है। ओके, तो ये जो ट्यूटोरियल था यहाँ पे इतना ही था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल में ऐसे बहुत सारे कंटेंट अपलोड होते रहेंगे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपका जो ईमेल आईडी है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको ये फाइल मेल कर दूंगा। अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं, और अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा मिक्सिंग मैंने बिल्कुल किया नहीं है, वो आप कर सकते हैं, और यू कैन हैव द फाइल। बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें। अगर आपको मुझसे वन टू वन क्लासेस करना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई फेसबुक पेज और मेल मी एट studio9kolkata@gmail.com। और बस ये ट्यूटोरियल में इतना ही था। गाना सुनते सुनते हम लोग आज के लिए टाटा बाय बाय कहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।